अब हमारी ट्रेन इंडिया का सबसे लास्ट स्टेशन रामेश्वरम पहुंच गई है। तो स्वागत है आप सभी को इस खूबसूरत से आइलैंड रामेश्वरम में, और स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। हम लोगों ने रूम ले लिया है जो कि मंदिर के बगल में ही रूम है, आपको दिख रहा होगा शायद, सामने मंदिर है। तो चलिए आपको रूम दिखाते हैं, और ये रहा कुछ छोटा सा रूम जो डबल बेड का है, और अभी थोड़ा लाइट कम है इसकी वजह से आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये रही यहाँ की लोकल दुकानें, तो यहाँ से आप अपने लिए भी कुछ खरीद सकते हो जो आपको पसंद है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ समुद्र से निकलते हैं वही सब आपको मिलेंगे, घर में सजाने के लिए जो होता है वही सब। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर चीज़ है यहाँ पे, जो घर में सजाया जाता है वही सब है। तो ये सब आप ले सकते हो अपने प्राइस के हिसाब से। ये वही सब चीज़ें हैं जो समुद्र से निकलते हैं ना छोटे छोटे, वही सब चीज़ों को अरेंज करके बनाया गया है जो देखने में बहुत मस्त लग रहा है। तो अगर आपको ये सब चीज़ों की शौक़ है घर में सजाने के लिए तो आप ले सकते हैं यहाँ से। बहुत सारा सामान आपको मिल जाएगा। ए भाई गाने बजाओ तो, कितना का अंकल? और ये 600, 500 is 600। तो ये रहा अग्नि तीर्थ, तो चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं। अभी तो यहाँ पे भीड़ नहीं है क्योंकि अभी शाम का समय है। अगर आप यहाँ से सीधे चले जाओगे तो आप सीधे श्रीलंका पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ श्रीलंका बहुत ही नज़दीक है। अभी तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी शाम का समय है, आप देख सकते हो पूरा खाली खाली है। लेकिन आप जैसे ही दिन में आओगे यहाँ पे सुबह से ही पूरा क्राउड रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह से ही स्नान करने लग जाते हैं। तो आपको सुबह दिखाएंगे यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ रहता है। और यहाँ पे बैठे बैठे पूरा अंधेरा हो चुका है, तो चलिए रूम चलते हैं। और यह जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है यही है रामेश्वरम टेम्पल, तो आपको दिखाते हैं सुबह में। यह वही रास्ता है जहाँ सभी हम आ रहे हैं अग्नि तीर्थ वाला, और ये रहा मंदिर। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, सोते हैं, और मिलते हैं आपसे सुबह में। गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी सुबह को 6 बजे हैं, और इधर आपको नारियल का पेड़ दिख रहे होंगे जो कि यहाँ पर नॉर्मल बात है। और इस तरफ देखिए, ये रहा रामेश्वरम टेम्पल जिसे यहाँ लोग रामानंद स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं, और हमारा जो होटल है इसका बगल में ही है। तो चलिए पहले फ्रेश फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपको ले चलते हैं नीचे। तो चलिए आपको सबसे पहले चलते हैं अग्नि तीर्थ की ओर, क्योंकि रामेश्वरम आने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले अग्नि तीर्थ ही आता है। ये रहा आपका अग्निकुंड, तो आपको सामने दिखाए थे लेकिन सामने पूरा अंधेरा हो चुका था, तो आपको साफ से दिखा नहीं होगा, और सामने पब्लिक भी इतना नहीं थी। और अभी देखिए कितना ज़्यादा पब्लिक है। कुछ लोग जो हैं नहा के आ रहे हैं और कुछ लोग अभी भी नहा रहे हैं, तो चलिए और आगे चलते हैं।
आपको जितना भी पब्लिक दिख रहा है, जो लोग नहा रहे समुद्र में, ये लोग अभी तक दर्शन नहीं किए हैं मंदिर का। ये लोग यहाँ से नहा के जाएंगे, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो अगर आप भी कभी इन फ्यूचर आते हैं रामेश्वरम, तो आपको सबसे पहले आके यहाँ नहा लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से शुद्ध माना जाता है। जिस तरह हमारे तरफ नॉर्थ में लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी जाते हैं, उसी तरह दक्षिण में लोग रामेश्वरम आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। और इधर आप देख सकते हैं बहुत सारा गोदान हो रहा है, जो एक्चुअली मृत्यु के टाइम ही किया जाता है, और यह भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय को ब्राह्मण को दान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये रूम है, आप इसमें कपड़ा बदल सकते हैं नहाने के बाद। वो रहा अग्नि तीर्थ और ये रहा रामेश्वरम टेम्पल, और यही इसका मेन गेट है। तो जब आप इस गेट से जाइएगा तो आपको चेकिंग होगी, आपको मोबाइल वगैरह ले जाया नहीं दिया जाएगा, लेकिन दूसरे गेट से लोग ले चले जाते हैं। ये जो मंदिर है चार धामों में से एक धाम भी है, जैसे ईस्ट में जगन्नाथपुरी, वेस्ट में सोमनाथ, नॉर्थ में बद्रीनाथ एंड साउथ में रामेश्वरम टेम्पल है। इसके अलावा यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग भी है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम ने रावण के वध करके वापस भारत लौट रहे थे, तो उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लग गया था। तो इसी दोष को हटाने के लिए भगवान राम शिव जी की पूजा करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम यहाँ कोई मंदिर नहीं था, जिसके कारण भगवान राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेज दिए, लेकिन हनुमान जी समय पर पहुँच नहीं पाए। तो जिसके कारण माता सीता ने यहीं पर एक बालू के ढेर से शिवलिंग का निर्माण कर दिए, और यहीं पर दोनों ने पूजा की। जब हनुमान जी शिवलिंग लेके वापस आए, तो उस शिवलिंग को भी यहीं पे स्थापित कर दिया गया। इस मंदिर में ही बैस कुंड है, जहाँ लोग जाते हैं स्नान करते हैं बैस कुंड के पानी से। और इस कुंड की खासियत ये है कि जब आप इस कुंड का पानी पीजिएगा तो आपको बिल्कुल मीठा लगेगा, और यहीं रामेश्वरम में आप किसी कल या कुंड का पानी पीजिए, आपको बिल्कुल खारा लगेगा। जब आप इस मंदिर में जाओगे तो आपको बहुत ही बड़े बड़े दरवाजे देखने को मिलेंगे, 40-40 फीट के, 50-50 फीट के। साथ ही आपको बहुत ही बड़े बड़े पिलर्स, जिसपे कलाकारी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, और सारे आपको देखने में एक जैसे लगेंगे। और इस टेंपल का जो कॉरिडोर्स है, जो इसका गलियारा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। इस मंदिर के अंदर भी कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसके वजह से मैं आपको अंदर चीज़ें दिखा नहीं पाया, बट जितना हो सका इस मंदिर के बारे में आपको बता दिया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।